हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम बात करेंगे आपसे किडनी के इंटीरियर रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, इसमें हम सारा का सारा समझेंगे ओनली डायग्राम से। तो देखिए, सबसे पहले किडनी बनाते हैं। तो दिस इज राइट किडनी। ओके, तो ये क्या है? ये है हमारी राइट साइड की किडनी और इस साइड बनाते हैं हम लेफ्ट साइड की किडनी। तो ये हुई लेफ्ट किडनी। ओके, और हम क्या देख रहे हैं? एंटीरियर रिलेशंस। और इसमें हम बनाते हैं इसकी आर्ट सॉरी पहले वेन बना देते हैं। तो दिस इज रीनल वेन या फिर ये है इन्फीरियर वेना कावा। ओके, और इससे निकलेगी दो रीनल वेन, एक निकलेगी राइट साइड और डिटू एक निकलेगी लेफ्ट साइड। मतलब आगे जाके दो पॉइंट में डिवाइड हो जाती है। तो ये हो गई रीनल वे, ये हो गई सॉरी, ये तो क्या है? दिस इज इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या है? इन्फीरियर वेना कावा। अब बनाते हैं अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा। और तो ये क्या सप्लाई करेगी? रीनल को ब्लड, मतलब आर्टीरियल सप्लाई। तो ये एक रीनल आर्टरी लेफ्ट साइड हुई और ये राइट साइड हो गई। ओके, तो ये हो गई हमारी अओर्टा। ओके, अब आते हैं इसके रिलेशंस पे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, रिलेशंस में हमें क्या याद करना है? रिलेशंस में पहले तो हम पूरा थ्योरेटिकल बताएंगे, उसके बाद आपको इसके थोड़े से ट्रिक्स बताएंगे कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस साइड बनाऊंगा पांच पांच चीज़ों के इम्प्रेशन। रिलेशंस मतलब कि कौन कौन से ऑर्गन किडनी में आके इम्प्रेशन कर रहे हैं। ओके सॉरी, इस साइड होंगे पाँच और इस साइड होंगे छः। ओके, अब मुझे इस साइड पाँच बनाना है। तो देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। ओके, तो एक ऐसे ड्रॉ की, तो हमें बनाने कितने हैं? पांच बनाने हैं। तो वन टू पांच बनाने हैं। तो दो, मतलब आप ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिए राइट साइड की किडनी में। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ऐसे कर लीजिए ड्रॉ, एक ऐसे कर लीजिए और एक कर लीजिए ऐसे, मतलब हो गई। ओके, अब हो गए पांच एरिया। पांच एरिया कौन से? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हो गया ना पांच, 1 2 3 4 5, मतलब पांच ऑर्गन के इम्प्रेशन इस साइड याद करने हैं। इस साइड किस साइड? राइट साइड। और लेफ्ट साइड क्या याद करने हैं? छह ऑर्गन्स के इम्प्रेशन। ओके, तो इसके लिए हमें छह ऐसे छह टाइप के एरिया बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए लाइनिंग कैसी है? एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है, उसके बाद एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है। ओके, हमें छह बनाने हैं, अभी तो ओनली तीन हुए हैं, 1 2 3। इसके बाद एक लाइन ऐसे खींचनी है। ओके, एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। देखिए, मैं इसको ये सीधी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको घुमा के ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मतलब ये क्या होगी? ये होगी हमारी कोलोन। मतलब आपको भी कहीं भी ऐसे ही सीधी लाइन न दिखे, ऐसे न्यू दिखे, तो ये क्या होती है? कोलोन। कोलोन का इम्प्रेशन होता है। और ये भी क्या है? कोलोन का इम्प्रेशन। तो देखिए, यहाँ पे छह इम्प्रेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो छह इम्प्रेशन इधर याद करने हैं, पांच इम्प्रेशन इस साइड याद करने हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। मतलब जो इम्प्रेशन इस साइड भी होगा, उसी नाम का इम्प्रेशन इस साइड भी होगा, बट राइट और लेफ्ट बस इतना सा डिफरेंस है। तो ऐसी है हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स। तीन कौन सी? तो देखिए, जो पिंक से मैं लिख रहा हूँ वो होंगी सेम सेम स्ट्रक्चर्स, जो भी सेम स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ इस इम्प्रेशन की बात। तो ये होगा लेफ्ट सुप्रा रीनल एरिया। क्या है ये? दिस इज लेफ्ट सुप्रा रीनल एरिया। अब देखिए, सुप्रा रीनल ग्लैंड इस साइड भी होती है, तो इस साइड भी होगी। तो ये भी क्या होगा? ये होगा बस राइट होगा, ये राइट सुप्रा रीनल एरिया। ओके, तो ये हुआ हमारा राइट सुपरा रीनल एरिया। ओके, उसके बाद सेकंड है जो कॉमन है, वो है कोलिक इम्प्रेशन। तो ये वाला पूरा इम्प्रेशन कौन सा है? कोलिक इम्प्रेशन, कोलिक सॉरी इम्प्रेशन बोल दीजिए, कोलिक एरिया, कोलिक एरिया। और कोलिक एरिया इस साइड भी होगा, और इस साइड का कोलिक एरिया कौन सा होगा? ये वाला कोलिक
ए दिया, ओके ये हो गया कोलिक एरिया, तो दोनों सेम है। उसके बाद एक और लास्ट है, जो हमने बोला तीन तीन, मतलब तीन नाम सेम इधर है, तीन नाम ही सेम इधर है, इधर होगा जेजुनल एरिया। दिस इज जेजुनल एरिया, और इस साइड ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा जेजुनल एरिया, जेजुनल ए आर ई ए, ओके जेजुनल एरिया। मतलब क्या कि जो ये तीन नाम है वही वही नाम इस साइड भी है, तो पांच में से तीन इधर कवर हो गए और छह में से तीन इधर कवर हो गए। उसके बाद आप याद कीजिए स्टमक बेड, आपको स्टमक बेड को पढ़ना है तो पहले आप साइड में आई बटन पर जाइए, वहाँ पे स्टमक बेड देखिए, उसके बाद देखिए कि स्टमक बेड में हम लेफ्ट किडनी को इंक्लूड करते हैं। तो देखिए लेफ्ट किडनी किसके अंदर आती है, स्टमक बेड के अंदर। मतलब क्या कि लेफ्ट किडनी किससे रिलेटेड होती है, स्टमक से, या फिर जो जो स्ट्रक्चर्स स्टमक बेड में रिलेटेड होगी वो भी लेफ्ट किडनी के आसपास ही होगी। तो देखिए अब मैं जो तीन स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ वो तीनों इंक्लूड होते, देखिए छः में से तीन तो लिख दी, अब तीन में लिखूंगा जो मैं बची हुई तीन स्ट्रक्चर लिखूंगा वो तीन स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टमक बेड वाली। तो अब मैं वो तीन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले ये वाला इंप्रेशन, जो ये वाला इंप्रेशन है पूरा का पूरा, ये है फॉर गैस्ट्रिक एरिया, गैस्ट्रिक एरिया, ओके। देखिए मैंने जो पिंक से लिखा है मतलब दोनों में सेम है, अब मैं जो इस कलर के पेन से लिख रहा हूँ वो इसमें यूनिक है, और जो इस साइड लिखूंगा वो इसमें यूनिक होंगे। ये हो गया गैस्ट्रिक एरिया, उसके बाद सॉरी गलती हो गया, गैस्ट्रिक एरिया ये वाला है, ओके ये वाला पूरा का पूरा है गैस्ट्रिक एरिया, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सॉरी ये तो है गैस्ट्रिक एरिया, और ये वाला पोर्शन क्या है, स्प्लीनिक एरिया, दिस इज स्प्लीनिक एरिया, ओके। और जो ये बड़ा वाला इंप्रेशन है पूरा का पूरा, ये वाला है पेनक्रियाटिक एरिया, पेन सी आर ई ए टी आई सी, पेनक्रियाटिक एरिया। और आपने ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ी है, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, आपने ये तीनों स्ट्रक्चर पढ़ी होगी स्टमक बेड में, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ स्टोमक, ओके। तो ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ी आपने, स्टमक बेड में। उसके बाद आते हैं हम इस साइड, तो देखिए इस साइड के छह नाम पूरे हो गए, तीन पिंक वाले और तीन ब्लू वाले, तीन ब्लू वाले यूनिक है, तीन पिंक वाले इसमें और इसमें कॉमन है। उसके बाद आते हैं इसमें ब्लू पेन से, जो कि इसमें यूनिक है, इसमें होगा हिपेटिक एरिया, देखिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप हिपेटिक एरिया को लेफ्ट साइड नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हिपेटिक मतलब लीवर, लीवर मेनली किस साइड होता है, राइट साइड। यहाँ पे क्या है गेस्टिक एरिया यानी स्टमक, स्टमक मेनली किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो आप गेस्टिक एरिया इस साइड नहीं लिख सकते और हिपेटिक एरिया आप इस साइड नहीं लिख सकते। उसके बाद एक होता है ड्यूडिनल एरिया, DUODENAL, ड्यूडिनल एरिया। तो इसके ये दो तो हो गए यूनिक, मतलब इसके खुद के पर्सनल, और जो तीन पिंक वाले हो गए दोनों में कॉमन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी।